हेलो 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 चलिए सभी को नमस्कार है, गुड इवनिंग है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि आवाज़ मेरा ठीक है? अगर वगैरह ओके है आप लोग एक बार जरूर कमेंट। थिंग फाइन, अगर एवरीथिंग फाइन होगा फिर मैं आज की क्लास को, ऐसा है कारण ये था। पर मेरा पास है ओके है। चलिए सभी का वेलकम है। साउंड प्रॉब्लम है? साउंड प्रॉब्लम क्या है? साउंड प्रॉब्लम के रूप में कैसा प्रॉब्लम है आप पहले ये बताइए। आवाज़ नहीं आ रहा है, आ रहा है? आप अपने मोबाइल का आवाज़ बढ़ाइए, आवाज़ तो आ ही रहा है। कहाँ दिक्कत है? चलो आवाज़ ठीक है, साउंड ओके है। अब मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए और एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो क्लास लोग आरंभ करें। साउंड बिल्कुल ओके है। अब जिन लोगों को दिक्कत हो रहा है आप अपने साउंड बढ़ाइए, सब कुछ ओके हो जाएगा। चलिए मेरे दोस्त आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज आपका टॉपिक आप ठीक है? चलो सब कुछ ठीक हो चुका है। आज मैं आपकी सेवा में जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, टॉपिक को आप जानते हैं, पाइप एंड सिस्टम, ठीक है ना? पाइप एंड सिस्टम मैं कर रहा हूँ स्टार्ट। इससे पहले कि मैं पाइप एंड सिस्टम क्वेश्चन स्टार्ट करूँ, सार कंसेप्ट आपके सामने रखता हूँ ताकि आप बहुत अच्छे, ठीक है ना? देखो हमारा टॉपिक है पाइप एंड सिस्टम, पाइप एंड सिस्टर्न, या पैनल और टंकी कहते हो, ठीक है? नल और मेरे दोस्त के हर एग्जामिनेशन के लिए ये जो क्लास होगी आपके लिए वन साबित होगा। सबसे पहले आप यहाँ ध्यान दो कि आवाज कट रहा है। हेलो, चलो आप ठीक हैं? अब देखो यही हो सकता है, और यही हो सकता है तो मैं यही कर सकता हूँ, क्लास कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है ना? चलो देखो पाइप एंड सिस्टर्न में दो प्रकार के नल होते हैं। पाइप एंड सिस्टर्न में दो प्रकार के नल होते हैं, एक होता है खाली करने वाला और मेरे दोस्त एक नल होता है भरने वाला। एक होता है खाली करने वाला और एक होता है आपका भरने वाला। खाली करने वाले नल को क्या कहते हैं? एम्प्टी टैप कहते हैं, एम्प्टी टैप, या इसी को हम और क्या कहते हैं, तो इसी को हम आउटलेट पाइप भी कहते हैं, आउटलेट पाइप, ठीक है? कई बार एग्जामिनेशन में ये इस तरह से आपका रहता है, आउटलेट पाइप, ठीक है? दूसरी बात, भरने वाले को क्या कहते हैं? भरने वाले को हम फिलिंग टैप कहते हैं,
फिलिंग टैप से आप इनलेट पाइप भी कहते हो, इनलेट पाइप भी कहते हो, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है कि खाली करने वाला का क्या काम है। मेरे दोस्त, खाली करने वाला का काम है पानी को खाली करना, और भरने वाले का काम है पानी को भरना, ठीक है। तो जो खाली करने का काम करेगा उसका काम सदैव निगेटिव में लिखा जाएगा, और जो भरने का काम करेगा उसका काम सदैव पॉजिटिव में रखा जाएगा। बाकी पाइप एंड सिस्टर्न के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो टाइम एंड वर्क के अनुसार ही चलता है। टाइम एंड वर्क के जो कॉन्सेप्ट हैं वही कॉन्सेप्ट पाइप एंड सिस्टर्न के हैं। टाइम एंड वर्क में क्या होता है कि सभी भरने वाले होते हैं, और पाइप एंड सिस्टर्न में मतलब वहाँ सभी काम बनाने वाले होते हैं, इसलिए वहाँ काम हम लोग ऐड करते हैं। यहाँ पर हो सकता है कि दोनों नल भरने वाला हो तो काम ऐड हो जाएगा, दोनों नल खाली करने वाला होगा तो घट जाएगा, ठीक है। चलिए, ब्राइटनेस ज़्यादा है, अच्छा उसे भी हम कम कर देंगे, आप घबराइए नहीं। ओके, माइक बदल दीजिए, चल रहा है, सब ठीक है। आइए अब मेरे दोस्त, हम सीधे सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जो भी लोग लाइव हो इस वक्त, ठीक है, आप सब लोग एकदम सही कह रहे हो कि सर बीपीएससी वाली बैच कब से स्टार्ट होगी। तो बीपीएससी वाली बैच मेरे दोस्त कल से ही स्टार्ट होगी अपने टाइम पे, इसलिए आप लोग निश्चिंत होकर के अपना काम कीजिए और निश्चिंत होकर के देखिए। कल से बीपीएससी वाली बैच भी स्टार्ट होगी, कल 20 तारीख है, और कल से एक और बैच स्टार्ट होगा एस्टेट वाला, एस्टेट वाला भी बैच स्टार्ट होगा, और बीपीएससी 3.0 का भी बैच आरंभ होगा, ठीक है। चलो, सब कुछ ओके है, हर चीज़ ठीक है, क्लास हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखो, आज का पाइप एंड सिस्टर्न का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, किसी पाइप, एक पाइप किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है और दूसरा उसे 15 घंटे में भर सकता है, दोनों मिलकर कितने घंटे में उसे भरेंगे। तो जो पहला हमारा पाइप है वो किसी टैंक को 10 घंटे में मेरे दोस्त भर सकता है, और दूसरा जो पाइप है वो उसे 15 घंटे में भर सकता है। तो क्वेश्चन है कि दोनों मिलकर उसे कितने घंटे में भरेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, टोटल पाइप का कैपेसिटी निकालना होगा। अब देखो, जो टैंक 10 घंटे में भी भर सकता है और 15 घंटे में भी भर सकता है, उस टैंक की कैपेसिटी 10 और 15 कैल्शियम हो जाएगा 30। अब आप ही सोचो, 10 घंटे में अगर 30 भरता है तो हर घंटे 3 भरेगा है, और 15 घंटे में अगर 30 भरता है तो हर घंटे 2 भरेगा। आप कहोगे कि सर जब आप टाइम एंड वर्क पढ़ा रहे थे ये प्लस का साइन आप नहीं दिए थे, लेकिन पाइप एंड सिस्टर्न में प्लस का साइन क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जब भरने का सेंस आएगा तो वहां पे प्लस का सेंस दे, और जब घटाने का सेंस आएगा तो वहां पर माइनस का साइन दिया जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए, दोनों मिलकर टैंक को भरेगा तो ये भी भरने वाला है और ये भी भरने वाला है, टैंक की कैपेसिटी है कितना 30। अब दोनों मिलकर भरेगा तो एक घंटा में 3 और बी घंटा में 2, तो दोनों मिलकर एक घंटा में 5, तो बताइए कितना घंटा लग जाएगा, 6 घंटा लग जाएगा इस टैंक को भरने में। तो ये आपका पहला सवाल था पाइप एंड सिस्टर्न का। आप दो चार क्वेश्चन हमें बनाते हुए देखिए, तब आपको पता चलेगा कहाँ प्लस कहाँ माइनस डाला जाएगा, और ध्यान से पाइप एंड सिस्टर्न को देखना है। ओके, चलिए, बहुत अच्छा है, और आपका क्लास एकदम, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, अरे नोटिफिकेशन आएगा, आप जम के शेयर कर दीजिए ना, थोड़ा ग्रुप में शेयर वेयर कर दो, हर जगह पे शेयर मार दीजिए, आप लोग भी शेयर मार दीजिए ताकि क्लास में आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब आप देखिए, आज का सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, एक पाइप किसी टैंक को 10 घंटे में भर सकता है और दूसरा 15 घंटे में खाली कर सकता है, कहता है टैंक कितने देर में भर जाएगा। अब आप कहोगे सर एक पाइप है जो किसी टैंक को 10 घंटे में भर सकता है और एक दूसरा पाइप है जो टैंक को बिल्कुल 15 घंटे में खाली कर सकता है, तो सबसे पहले हम टोटल वर्क लेंगे और 10 और 15 का एलसीएम 30, यानी टैंकी की कैपेसिटी हो गया 30। अब देखो, ये अपना है भरने वाला, तो इसको मैंने प्लस साइन के साथ लिखा,
ये अपना घटाने वाला है, मैं इसको माइनस साइन के साथ लिख रहा हूँ। अब तनिक ध्यान से देखो, 10 घंटा में जो 30 भरेगा वो हर घंटे मेरे दोस्त 3 भरेगा, जो 15 घंटे में 30 खाली करेगा वो हर घंटे 2 खाली करेगा। अब आप क्या कहोगे, अब आप कहोगे कि सर अगर दोनों को एक साथ चलाओगे ना तो टंकी की कुल क्षमता है 30 और दोनों मिलकर चलेगा, ये 3 भरेगा ये 2 खाली करेगा, फिर भी तो 1 भरेगा ना, तो 1 भरेगा 1 घंटे में तो 30 भरने में 30 घंटा लगेगा, इस क्वेश्चन का आंसर 30 घंटे हो जाएंगे। तो चलिए आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है, 30 घंटा 30 घंटा। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, पढ़ते हैं आगे और इसी तरह से आप पढ़ते रहिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, एक एक करके आप लोग देखते रहिए, ओके। दो नल ए और बी किसी टैंक को 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं, एक निकास नल सी भी है, अगर तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक 50 मिनट में क्या हो जाएगी, भर जाएगी, ये बात ध्यान से देखना। अब देखो दोस्त, मैं आपसे हमेशा एक बात कहता हूँ, आप लोग भले ही कुछ भी सोचो लेकिन आपकी सफलता आपकी सिलेक्शन के लिए जितना हो सकता है उतना अवश्य होगा। अब तो और भी भयानक होगा क्योंकि नाइट वाली क्लास जो है वो अब अपने डेरा से लिया जाएगा, और जब अपने डेरा कह रहा हूँ मेरे दोस्त, जहाँ हाँ ये जो स्टूडियो है ये अथक प्रयास से बना है, और तो क्या बोलते हैं, अथक प्रयास भी लोगों के सपोर्ट से आपकी सेवा में ये तैयार किया गया है, पूरी प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टीम के द्वारा ये रेडी किया गया है। तो मेरे दोस्त आपकी सेवा में पूरा प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह प्राइवेट लिमिटेड, खासतौर पर नवीन सर और वहाँ पर जितने भी लोग, सभी लोग मिलकर आपकी सफलता के लिए दिन रात सोच रहे हैं, रात एक कर रहे हैं, और एक समय आएगा जब आप लोग जिस तरीके से समर्पण दे रहे हो, साथ दे रहे हो, रिजल्ट ही रिजल्ट पिछले 22 सालों से लगातार क्रिएट होता रहा है और आगे भी क्रिएट होता रहेगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट। हाँ मेरे दोस्त, बीपीएससी की बैच कल से ही स्टार्ट होगी, कुरुक्षेत्र बैच का नाम है, जो भी लोग जुड़ना चाहते हो आप जाके 3.0 में जुड़ जाओ, मैं तो कहूँगा सभी जुड़ जाओ, चाहे तैयारी आप किसी भी एग्जाम के करते हो, क्योंकि वो सिलेबस 7 ही महीना में कंप्लीट होगा, 2 घंटे की क्लास लगभग रोजाना होना है, 2 घंटे क्लास में आपका रेगुलर लेने वाला हूँ वहाँ पर, और 7 महीने में वो बैच कंप्लीट होगा, वो रामबान एनी क्या कहते हो ऑल एग्जामिनेशन के लिए होगा। तो चलिए करते हैं, आइए दोस्त स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हेलो, ध्यान दो, अब देख रहे हैं कि हमारे पास दो नल ए और बी है, मेरे दोस्त ए क्या कर रहा है 60 मिनट में, अरे आज थोड़ा साउंड का अगर इशू भी रहेगा तो हल्का सा मैनेज कर लो ना, माइक थोड़ा सा ढीला है हमारे माथा में इसलिए ऐसा हो रहा है, क्लास के बाद हम इस माइक को कस देंगे, आप चिंता मत करो। ए भरने वाला है 60 मिनट और बी भरने वाला है 75 मिनट में, और एक निकास नल चलो, अब देखो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होना है, एक्चुअली में वो माइक चार्ज नहीं था, अब ये माइक चार्ज हो गया है, अब साउंड में आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं, अब देखो दोस्त मेरे यहाँ पर ए भरने वाला है, बी भी भरने वाला है, और सी ये मेरे दोस्त खाली करने वाला है। क्वेश्चन कहता है कि जब ये तीनों को एक साथ स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है,
ये तीनों को जब एक साथ स्टार्ट किया जाएगा ना, तो मेरे दोस्त टैंक भर जाएगी, लेकिन भरने में टाइम कितना लगेगा? 50 मिनट का। इस बात को समझना, यही लिखने लड़का को नहीं आता है, यहाँ पर ध्यान देना। ए भरने वाला है 60 मिनट में, बी भरता है 75 मिनट में। कहा ए बी के साथ जब सी को स्टार्ट करते हैं, जो कि एक निकास नल है, तो जब ये तीनों स्टार्ट होता है ना, तीनों एक साथ, तो टैंक क्या होती है, तो टैंक फाइनली भर जाती है। कितने देर में? 50 मिनट में। यानी 50 मिनट में यहाँ भी टैंक क्या हो रही है, भर जा रही है। ठीक है, यहाँ प्लस साइन का मतलब हुआ ये तीनों एक साथ काम कर रहा है, तो हर मिनट यहाँ पॉजिटिव काम हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले आप टोटल वर्क ले लो, टोटल वर्क इन सब का एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपका हो जाएगा 300। ठीक है ना। अब बताओ, 60 मिनट में 300 अगर काम, 300 पानी अगर कोई भरेगा, हर मिनट में 5 भरेगा। 75 मिनट में 300 भरेगा तो हर मिनट में 4 भरेगा है, और 50 मिनट में अगर कोई 300 भरेगा तो हर मिनट में क्या करेगा, भरेगा, भरेगा मतलब क्या, प्लस में 6। 50 मिनट में 300 भरेगा तो हर मिनट में 6 भरेगा। अब आप खुद ही कहोगे कि जब ए मेरा अकेला ही 1 मिनट में 5 भरता है, और बी मेरा अकेला ही 1 मिनट में 4 भरता है, तो सी ऐसा क्या करता होगा कि यहाँ पर केवल 6 ही भरता नजर आएगा। तो कहोगे देखो, अगर ए और बी मिलके 9 भर रहा है, हमको 6 ही भरने देना है, तब तो यहाँ 3 खाली करवाना पड़ेगा, क्योंकि 9 में से 3 जाएगा तभी तो 6 आएगा। कहोगे हाँ, यानी सी की कैपेसिटी यानी निकास नल की क्षमता 3 हो गया, यानी ये हर मिनट 3 क्या करेगा, खाली करेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि यही यही जो निकास नल है, अकेले पूरा टैंक को कितना देर में खाली करेगा। तो मेरे दोस्त टैंक में पानी है कितना, टैंक में पानी 300 है, अगर सी उसको खाली करना चाहेगा, 3 क्षमता से खाली करेगा, तो 100 मिनट का टाइम लगेगा। कितने मिनट का? 100 मिनट का टाइम लगेगा, और इस क्वेश्चन का आंसर 100 मिनट हो जाएगा। लगता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैव मेड मिस्टेक स्पेलिंग 1 एंड 2, गिव देम चांस टू गेट इट एडिटेड वंस। क्या हुआ जी? अच्छा, एक सुमितेश कुमार, मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ। आप ये कह रहे हो कि सर जो एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड हो गया था किसी कारणवश, किसी सेंटर पर, एक दो सेंटर पर, उसका जब एग्जामिनेशन लिया गया है तो क्वेश्चन इस प्रकार दिया गया है जैसे लगता है कि बिल्कुल ही कहाँ से क्वेश्चन आ गया है, आपका ये कहना है ना मेरे दोस्त। इस बात पर ना कल कल मैं ऐसा होगा कि कल आपकी ये बात को थोड़ा, क्वेश्चन को देखा जाएगा है ना, और इसके लिए जो भी उचित सपोर्ट हो सकता है संस्थान की ओर से, जो उचित सपोर्ट हो सकता है, जहाँ तक हम लोग का दायरा भी होता है, जहाँ तक हम लोग कर सकते हैं, हर स्थिति में आपके साथ तो खड़े ही रहते हैं, तो इस पर कल सर से बात जरूर करेंगे कि ऐसा क्या प्रॉब्लम है, लड़के लोग इस तरह से मैसेज कर रहे थे। ठीक है, तो मेरे दोस्त आप लोग थोड़ा सा क्लास भी करा रहे हैं, क्लास कराने दीजिए, कल इस पर हम जरूर बात करेंगे सर से। बाकी सर भी वीडियो को देख रहे होंगे तो वो कमेंट जरूर पढ़ रहे होंगे है ना, तो जो भी होगा संस्थान आपके सपोर्ट में सदैव से रहा है, सदैव से रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप 30 मिनट में भर सकता है, पाइप ए को आधे समय के लिए खोला जाता है और बाकी आधे समय के लिए दोनों को एक साथ खोला जाता है, बताइए टंकी कितने देर में भर जाएगी। अब देखो दोस्त, कितना शानदार क्वेश्चन है, एक पाइप है जो अकेले ही टैंक को 20 मिनट में मेरे दोस्त भर सकता है, ठीक है ना, और एक दूसरा टैंक है जो अकेले ही टैंक को बिल्कुल 30 मिनट में ये भी भर सकता है। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, हमसे कहा जा रहा है कि सर देखो, आप आधे समय के लिए ए को चलाओ और शेष आधे समय के लिए दोनों को चलाओ। अब बच्चे यही नहीं समझ पाते हैं कि यहाँ आधे समय का मतलब क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये करता हूँ कि टैंक की कैपेसिटी लिखता हूँ, जो टैंक 20 मिनट में भर सकता है और 30 मिनट में,
उस टैंक की कैपेसिटी इन दोनों का क्या होगा, 60 होगा। 20 मिनट में 60, तो एक मिनट में कितना, 3 भरेगा। और ये 30 मिनट में 60 भरता है, तो एक मिनट में मेरे दोस्त ये 2 भरेगा, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, अब स्टेटमेंट समझो, यहाँ का स्टेटमेंट ये खतरनाक स्टेटमेंट है, यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ तक का। देखो इसका मतलब है पाइप ए को आधे समय तक चलाइए और बाकी आधे समय के लिए दोनों को चलाइए। इसका मतलब हुआ कि समय का जो यूनिट है, यानी समय का यूनिट यहाँ क्या है, मिनट। तो समय का जो यूनिट है उसके इकाई समय, मिनट का इकाई होता है एक मिनट, है ना। यही हुआ आपका, समय का जो भी यूनिट है उसका इकाई समय एक मिनट। और ये जो एक मिनट है मेरे दोस्त, क्वेश्चन के अनुसार इसी समय के आधे समय तक, एक मिनट का आधा समय क्या होता है, 30 सेकेंड होता है। तो 30 सेकेंड के लिए कहा एक को अकेला चलाइए, और अगले 30 सेकेंड यानी शेष आधे समय के लिए ए और बी आप दोनों को चलाइए, इस प्रकार से चलाने कह रहा है। तो आप ही बताओ ना, अगर 30 सेकेंड के लिए ए को चलाएंगे तो जो ए एक मिनट में 3 भरता है वो आधा मिनट में क्या करेगा, तो मेरे दोस्त डेढ़ ही भर पाएगा। अरे एक मिनट में 3 तो आधा मिनट में क्या, डेढ़ भर पाएगा, है ना। अब ए और बी दोनों, तो बताइए ए और बी दोनों को अगर 30 सेकेंड चलाएंगे तो ए बी दोनों मिलकर 3, 2, 5 भरेगा, कितना देर में, ए बी दोनों मिलकर 3, 2, 5 भरेगा एक मिनट में। अगर आधा मिनट चलाते हैं तो 5/2 ही भर पाएगा, हाँ या ना, आप कहोगे हाँ। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आखिर एक मिनट में काम हो कितना जाएगा, तो एक मिनट में देखोगे यह है 3/2, यह है 5/2, जोड़ोगे 8/2 यानी कि हो जाएगा 4। ऐसे भी 1.5+2.5 4 ही होता है। तो मेरे दोस्त एक मिनट में 4 भर रहा है, तो बताइए पूरा भरने में क्या टाइम लगेगा। तो भरना है आपका 60, एक मिनट में भर रहा है 4, तो भरने में 15 मिनट का टाइम लगेगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो है 15 मिनट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 15 मिनट हो जाएगा। सर बीपीएससी 3.0 प्राइमरी फाउंडेशन बैच लॉन्च कीजिए प्लीज। देखो मैं इस बात पर पहले भी डिस्कस किया था और अभी भी डिस्कस करता हूँ, और सुबह मैं आपके लिए एक वीडियो भी इस पर बनाने वाला हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर देने वाला हूँ। कल 20 दिसंबर है और कल से बीपीएससी टीचर का जो फाउंडेशन बैच है ना, वो मैथ्स का लॉन्च हो रहा है 3.0 का। तो आप लोग जो भी उसमें शामिल होना चाहते हैं, जिनका भी पेपर है, आप शामिल अवश्य होइए। आपका रिजल्ट हो, है ना, आपका रिजल्ट हो गया, या जिनको तैयारी अगले बार की करना है, ठीक है, या जिनका रिजल्ट हो जाएगा, तो जिनका रिजल्ट हो जाएगा वे एक अच्छे शिक्षक बनने के लिए, और जिनको अगले बार तैयारी करना है उस सुदृढ़ तैयारी यानी कि सिलेक्शन वाली तैयारी के लिए, उसमें अवश्य जुड़ेंगे, उस सब के लिए फायदेमंद है। सभी लोग उसमें जुड़िए, आइए सभी लोग मिलकर एक ऐसा माहौल बनाएं कि ना आपको कॉम्पिटिशन पास करने में दिक्कत हो, ना आपको स्कूल में पढ़ाने में दिक्कत हो, ठीक है। आइए चलते हैं, अब आवाज का प्रॉब्लम क्या है, अब तो सब ठीक ही चल रहा है। चलो थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, हम ठीक नहीं है। चलिए अब एवरीथिंग ओके, आओ मेरे दोस्त बात इसकी करते हैं, इसमें भी थोड़ा ध्यान दो। एक पाइप किसी टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, और एक खाली करने वाला पाइप, एक ध्यान देना, एक पाइप किसी टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, ठीक है, और एक खाली करने वाला पाइप लगा दिया जाए जो 50 लीटर प्रति घंटा पानी बाहर निकाल के फेंक दे, है ना, तो अब टैंक को भरने में 5 घंटे का समय लगेगा। तो बताइए सर ये कैसे हो सकता, अच्छा 15 घंटा है, यहाँ पर मेरे दोस्त फॉल्ट हो गया है, 15 घंटे का समय लगता है तो टैंक की क्षमता क्या होगी। अब देखो क्या बात कर रहा है, एक अकेला पाइप ए है जो किसी टैंक को 10 घंटा में भर सकता है। अब कहता है कि अगर इस पाइप ए के साथ में एक निकास नल को चला दिया जाए, और ये जो तुम्हारा निकास नल है ना, बी निकासी नल आउटलेट पाइप, ये करता क्या है, ये 50 लीटर पानी
50 लीटर पानी प्रति घंटा क्या कर रहा है, ये बाहर निकाल रहा है। 50 लीटर प्रति घंटा पानी बाहर निकाल रहा है। जब इसको हम ए के साथ चलाते हैं तो टैंक भरने में कितना टाइम लग रहा है, 1 घंटे का टाइम लग रहा है। बताइए सर टैंक की क्षमता क्या होगी। बहुत ही आसान है, आप सबसे पहले यहाँ देखो, जो टैंक 10 घंटे में भर जाएगा, जो टैंक 15 घंटे में भर जाएगा, ठीक है भाई, देख रहे हो पहले भी क्या हो रहा था, भर ही रहा था, और अभी भी क्या हो रहा है, भर ही रहा है। यानी क्या हुआ, ए के साथ एक मनहूस बी चल रहा है तो भी हमारा टैंक भर ही रहा है। यानी ए के साथ जब बी चल रहा है तो भी हमारा टैंक क्या हो रहा है, फाइनली भर रहा है। ठीक है भाई, अब यहाँ ध्यान देना, जो टैंक 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकता है, उस टैंक की कैपेसिटी दोनों का कितना हो जाएगा, 30। अब 10 घंटे में 30 भरेगा तो 1 घंटे में 3 भरेगा है। अब 15 घंटे में 30 क्या हो रहा है, भर रहा है, तो 15 घंटे में 30 भरेगा तो हर घंटे भरेगा, हाँ या ना, आप कहोगे हाँ। अब थोड़ा समझो कि ए तुम्हारा अकेला ही 3 भर दे रहा है, जब ए अकेला ही 3 भर दे रहा है तो बी ऐसा क्या करता है कि केवल 2 ही भरने दे रहा है, तो क्या कहोगे, कहोगे इस 3 में से ना सर। अब देखो ए तो हमारा अकेला ही 3 भर रहा है, अब ये 3 में से बी खाली करने वाला है तो इसका स्वभाव तो खाली करने का होगा, तो 3 में से ही कितना खाली करेगा कि 2 ही भर पाएगा, कहोगे 3 में से 1 खाली करेगा, तो 3 में से 1 खाली करेगा तो 2 ही भर पाएगा। यानी आप ये देख पा रहे हो कि आपका बी कितना देर में, प्रति घंटे कितना खाली कर पा रहा है, 1। जो बी 1 खाली कर रहा है 1 घंटे में, जो भी 1 घंटा में 1 रेशियो खाली कर रहा है, वो 1 घंटा में लीटर में कितना खाली कर रहा है, 50 लीटर। यानी 1 रेशियो का मान क्या हो जाएगा, 50 लीटर। और जब 1 रेशियो का मान 50 लीटर, तो बताओ 30 रेशियो का मान क्या होगा, 30 × 50 यानी कि 1500 लीटर इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इस टैंक की कैपेसिटी होगा 1500 लीटर, 1500 लीटर। वीडियो क्लीन नहीं दिखता है, क्या बात करते हो, लाइट कम है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, रुको। हो गया, आएगा चलो अब देखो, थोड़ा सा ठीक है, जब झिलमिला रहा है। चलिए अब ठीक है, आओ आओ मेरे दोस्त, अब हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। अब समझना इस क्वेश्चन को, आखिर ये क्या है, ध्यान से देखते हैं। अब देखिए, ये हमारे पास 1500 लीटर आंसर आ गया, आराम से आपने देख लिया है। अब मेरे दोस्त हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, आप इसी तरह से काम करिए और इसी तरह से बढ़ते चलिए। अगला सवाल आपकी सेवा में हाजिर है। बनाइए आप इस क्वेश्चन को।
चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा ध्यान से देखना। पाइप ए किसी टैंक को 12 मिनट में खाली कर देता है और पाइप बी 15 मिनट में इस टैंक को भर देता है। कहता है कि एक भरने वाला पाइप लगा दिया है जो 12 लीटर प्रति मिनट पानी टैंक में डाल रहा है, और अब टैंक 20 मिनट में क्या हो जा रहा है? खाली हो जा रहा है। अच्छा, तो खाली करने वाला था, बताइए टैंक की क्षमता क्या होगा? मेरे दोस्त, एक तुम्हारा नल है, एकदम ध्यान से देखना, मैं समझ रहा हूँ, आप टेंशन मत लो। अचानक से मैं नए बोर्ड पे आया हूँ ना, तो थोड़ा सा तो मेरे दोस्त एक दिन तो अनकंफर्टेबल लगेगा आपको। देखो, ए ए एक खाली करने वाला पाइप है जो टैंक को 12 मिनट में क्या कर रहा है? खाली कर रहा है, ठीक है। बी भी एक खाली करने वाला पाइप है जो टैंक को 15 मिनट में क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। तो चलो, आज दो खाली करने वाले पाइप हैं। ए खाली करता है मेरे दोस्त कितने मिनट में? 12 मिनट में। और बी खाली करता है इस टैंक को कितने मिनट में? 15 मिनट में। अब हमें क्या कहा? हमें कहता है कि इस टंकी में एगो भरने वाला नल लगा दीजिए जो कि 12 लीटर पानी प्रति मिनट बाहर, है ना, 12 मिनट 12 लीटर प्रति मिनट पानी टैंक में डालता रहेगा। अब देखो, ये दोनों है पानी को बाहर निकालने वाला, और आप एक तीसरा पाइप को हो जो कि पानी टैंक में डालेगा। ये दोनों बाहर निकालेगा और वो टैंक में डालेगा, तो इसका क्या मतलब है कि ये दोनों जो काम करेगा वो उसका सीधा विपरीत काम करेगा। यानी ये दोनों, यहाँ ध्यान दो, ये दोनों क्या करेंगे? खाली करेंगे, और वो क्या करेगा? डालेगा। जब वो पानी डालना स्टार्ट करेगा ना, तो इन दोनों को डिस्टर्ब करेगा, जिसके कारण पहले से थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। आ देखो, लग भी रहा है। कहा जब इनके साथ एक भरने वाले पाइप को लगा दिया जाए जो 12 लीटर प्रति मिनट पानी टैंक में डालता है, तो अब टैंक 20 मिनट में क्या हो जाती है? खाली हो जाती है। यानी कि इस ए, यहां ध्यान से, इस ए और बी के साथ में, ए और बी जो खाली करने वाले हैं, इनके साथ में एक भरने वाला नल सी को आरंभ कर दिया जाता है, तो 20 मिनट का समय लगता है। लेकिन 20 मिनट का समय लगता है क्या होने में? खाली होने में। यानी कि ओवरऑल 20 मिनट लगता तो जरूर है, लेकिन क्या हो जाता है? खाली हो जाता है। तो घबराने की कोई बात नहीं। अब थोड़ा यहां पर हम लोग ध्यान देते हैं। चलिए, ओके ओके मेरे दोस्त, मैं आपकी सारी परेशानी को देख पा रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ। चलो ध्यान दो। तो मेरे दोस्त, अब हम यहाँ पर क्या करें? सबसे पहले हम टैंक की कैपेसिटी ले लें। 12 मिनट, 15 मिनट और 20 मिनट का एलसीएम कितना होगा? 60 हो जाएगा। यानी टैंक में 60 पानी अटता है, आप ऐसा मानिए। 12 मिनट में 60 खाली होगा तो हर मिनट 5 खाली होगा। अगर 15 मिनट में 60 खाली होगा तो हर मिनट में 4 खाली होगा। अब 20 मिनट में 60 खाली होगा तो हर मिनट मेरे दोस्त कितना? तो हर मिनट यहाँ पर 3 खाली होगा। अब आप ही बताइए, जब आपका ए अकेला 1 मिनट में 5 खाली कर सकता है, जब आपका बी अकेला 1 मिनट में 4 खाली कर सकता है, तो आखिर सी ऐसा क्या करे? आखिर सी ऐसा क्या करे कि प्रति मिनट 3 ही भर पाए, सॉरी 3 ही खाली कर पाए? तो आप क्या कहोगे? सर, ए भी मिलकर 9 खाली करता है, ये पक्का 6 भर देता होगा, तभी तो 9 में से अगर 6 घट भी गया तो -3 नजर आएगा। आप कहोगे हाँ सर। यानी आप ये समझ गए कि प्रति मिनट 6 रेशियो पानी को क्या कर रहा है? भर रहा है। सॉरी माय फ्रेंड, जब ये दोनों मिलकर 9 खाली कर रहा है तो सी कितना भर दे ताकि 3 ही खाली होता नजर आए? कहोगी 9 खाली कर रहा है ना, कि पक्का 6 भर रहा होगा, तभी तो 9 खाली करेगा और ये 6 भर देगा तो 3 ही खाली होता नजर आएगा। कहोगे हाँ। यानी ये जो मेरा भरने वाला पाइप है वो 1 मिनट में 6 रेशियो भर रहा है, और इसी के विषय में क्या कहा है कि ये 1 मिनट में कितना भर रहा है? 12 लीटर। यानी सी जो हमारा भरने वाला पाइप है 12 लीटर पानी प्रति मिनट क्या कर रहा है मेरे दोस्त? इसके अंदर भर रहा है। तब तो हम ये कहेंगे कि जो 1 मिनट में
रेशियो में 6 भरता है, वो लीटर में 12 लीटर भर रहा है। तो एक 6 रेशियो का मान 12 लीटर है, एक रेशियो का मान 2 लीटर होगा। और जब एक बराबर 2 लीटर हुआ तो टैंक की क्षमता तो 60 न है, तो बताइए 60 बराबर क्या होगा। तो 60 बराबर हो जाएगा 120 लीटर, यानी इस टैंक की कैपेसिटी है 120, है ना, इस टैंक की कैपेसिटी है 120। ओके चलिए, सभी लोगों का बिल्कुल सही है और बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, कहीं से आपको कोई परेशानी नहीं है। मुझे भी लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलो देखो, पहले बात बता देता हूँ, मेरा अपना टाइम जो है अब 10 बजे से ही फिक्स होगा और 10 बजे से मैं रोजाना आपकी क्लास कराता नजर आऊंगा। इसलिए 10 बजे आप खा पी कर रेडी हो जाना और बिल्कुल कंबल में एंट्री कर जाना, अब मोबाइलिया खोल के और उसके बाद वीडियो को देखना आरंभ करना, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10 बजे मेरा टाइमिंग होगा और 10 बजे मैं यूट्यूब पर आपकी सेवा करने रोजाना आता रहूंगा। आइए अब हम यहां से मेरे दोस्त आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये किस प्रकार का क्वेश्चन है, अच्छे से सब लोग को ध्यान देना है। देखो अब ये क्वेश्चन कहता है कि एक टैंक में 8 पाइप लगे हुए हैं, जिनमें कुछ भरने वाले हैं और कुछ खाली करने वाले हैं। कहता है कि भरने वाला में से हर पाइप 8 घंटे में टैंक को भर सकता है, जबकि खाली करने वाला में से हर पाइप टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है। जब सारे पाइप को एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक 8 घंटे में क्या हो जाती है, भर जाती है। ओ यानी सारे पाइप को एक साथ खोल देंगे ना तो 8 घंटे में टैंक भर जाएगी, है ना, अच्छी बात है। तो बताइए कितने भरने वाले और कितने खाली करने वाले नल हैं। बनाने के बहुत सारे तरीके डेवलप हुए हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ जो आपके अंदर एक फीलिंग देगा। ओके वो कौन सा तरीका है, देखो टोटल नल कितने हैं, 8 नल हैं, अच्छी बात है। अब टोटल मेरे दोस्त 8 नल है, आज तो आप कह ही दोगे कि देखो सर जोड़ करके 8 तो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, हमारा तो आंसर हो गया। मान लो कि यहाँ पर 6 और 2 होता तब तो यहाँ भी 8 हो जाता, 4 और 4 होता तो यहाँ भी 8 हो जाता, साथ में नन ऑफ दिस भी है तो सॉल्व करना तो आना ही चाहिए, आप कहोगे हाँ। अब टोटल 8 नल में मेरे मित्र कुछ नल ऐसे हैं जो कि भरने वाले हैं और कुछ नल ऐसे हैं जो कि खाली करने वाले हैं। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो भरने वाले नल हैं उनमें से प्रत्येक क्या कर रहा है, टैंक को एकदम 8 घंटे में भर दे रहा है ना। और जितने भी खाली करने वाले नल हैं उनमें से प्रत्येक नल टैंक को क्या कर रहा है, तो मेरे मित्र 6 घंटे में खाली कर दे रहा है। अब आप खुद बताइए कि 8 में से कै गो भरने वाला है, मान लेते हैं एक्स नल भरने वाला है, तो 8 में से एक्स नल भरने वाला होगा तो खाली करने वाला मेरे मित्र 8 माइनस एक्स नल खाली करने वाला होगा, ठीक है, आप कहोगे हाँ बिल्कुल सही है। अब सबसे पहले मेरे दोस्त हम क्या करते हैं, टोटल कैपेसिटी ले लेते हैं। कहोगे क्या कैपेसिटी, 8 घंटे में जो नल 8 घंटे में टैंक को भर देगा, या ऐसे समझो जो टंकी 8 घंटे में भी भर सकता है, 6 घंटे में खाली हो सकता है, तो जो टंकी 8 घंटे में भर सकता है और 6 घंटे में खाली हो सकता है, उस टंकी की कैपेसिटी 8 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 24 हो जाएगा, है ना। तो मेरे भाई 8 घंटे 24 भरेगा, हर घंटे 3 भरेगा, 6 घंटे में 24 खाली होगा तो हर घंटे में 4 खाली होगा, क्या समस्या है कुछ नहीं, एक बार इस बात को समझ लीजिए। देखिए टोटल 8 नल हैं, 8 में से एक्स नल भरने वाला तो 8 माइनस एक्स नल खाली करने वाला, कहा जितना भी भरने वाला नल है उसमें से प्रत्येक नल टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, जितना भी खाली करने वाला नल है उसमें से प्रत्येक नल 6 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है। मैंने कहा जो टंकी 8 घंटे में भर सकता है और 6 घंटे में खाली हो सकता है, उस टैंक की कैपेसिटी क्या होगा, 8 और 6 का एलसीएम
24, ठीक है। आओ अब बताओ, 8 घंटे में 24 भरेगा तो हर घंटे 3, 6 घंटा में 24 खाली होगा तो हर घंटे 4, हाँ या ना? आप कहोगे हाँ। अब मेरे दोस्त यहां देख लो, क्वेश्चन ने हमें सीधा सीधा कहा आप सभी नल को एक साथ स्टार्ट कीजिए। तो जब सब नल को एक साथ स्टार्ट करते हैं तो हमारा टैंक क्या होता है, 8 घंटे में फाइनली भर जाता है। तो एक काम कीजिए ना, 1 घंटा के लिए सबको स्टार्ट कीजिए। तो अगर मैं 1 घंटा के लिए सबको स्टार्ट करता हूँ अपने तरफ से, तो मैं कैसे स्टार्ट करूंगा, आठों को स्टार्ट करूंगा 1 घंटा के लिए। 8 में एक्स नल भरने वाला है, तो आप ही बताइए, स्टार्ट तो दोनों ही होगा ना, भरने वाला भी खाली करने वाला भी। हाँ जी, तो बताओ ना, भरने वाला में एक नल 1 घंटा में 3 भरेगा, जब एक नल 1 घंटा में 3 भरेगा तो एक्स नल क्या करेगा, 1 घंटा में 3x भरेगा। आप कहोगे हाँ। अब खाली करने वाला एक नल 1 घंटा में 4 खाली करेगा, तो एक नल अगर 4 खाली करेगा तो 8 माइनस एक्स नल क्या करेगा, 8 माइनस एक्स और -4 इतना काम करेगा। तो मेरे दोस्त ये हुआ 1 घंटे में भरने वाले नल का काम, ये हुआ उसी 1 घंटे में खाली करने वाले नल का काम। अगर इस दोनों को हम जोड़ दें तो सीधा सीधा हो जाएगा 1 घंटे में इस 8ों नल का काम। तो 1 घंटे में 8ों नल का जो ये काम है वो मेरे मेरे हिसाब से है, यानी ना हम लोग के हिसाब से है। और वही चीज, मतलब यही 1 घंटे का काम सभी नल के द्वारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन कहता है कि सभी नल मिलकर के 8 घंटे में टैंक को भर देते हैं। तो भैया 8 घंटे में टैंक को भरने का मतलब हुआ कि जितना टैंक में पानी आ सकता था उतना काम पॉजिटिव हुआ है, पॉजिटिव मतलब पानी उतना उसमें भरा है। तो 8 घंटे में टैंक भरा है, इसका मतलब 8 घंटे में काम पॉजिटिव हुआ है, क्योंकि टैंक की क्षमता तो 24 ही था। तो बताइए ना, 8 घंटा में 24 तो 1 घंटा में 3, हाँ या ना? आप कहोगे हाँ। तो 1 घंटा का काम प्लस 3 क्वेश्चन के हिसाब से, और 1 घंटा का काम इतना हमारे हिसाब से, तो ये भी 1 घंटे का काम है, ये भी 1 घंटे का काम है। अब आइए इसे इक्वेट कीजिए, ये होगा 3x माइनस का ये 32 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4x हो जाएगा, बराबर 3 हो गया। यहाँ पर 7x माइनस 32 उस पार जाके जुड़ेगा 35, तो बताओ x का मान कितना है, 5 हो गया। अब x का मान जैसे ही यहाँ पर 5 हुआ है, तो आप ही सोचो 8 में से जब 5 घटेगा तो यहाँ क्या आएगा, 3 आएगा, यानी भरने वाला 5 और खाली करने वाला 3। हेलो, साउंड नहीं आ रहा है? ठीक है, चलो अब देखो, अभी आप ये क्वेश्चन देख रहे हो, मैं समझ रहा हूँ कि बीच में थोड़ा सा साउंड का हल्का फल्का इशू आ रहा है, तो इतना तो आपको मैनेज कर ही लेना होगा। इतना आप मैनेज करो ना दोस्त, इतना मैनेज करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो, अभी जो मैंने मेथड यूज़ किया, इसको अभी आपको समझाने में भले ही मुझे थोड़ा टाइम लगा, लेकिन आप इतना याद रखना, पहले मेरी बात समझो, मेथड कई हैं लेकिन ये सबसे कारगर मेथड है। मैं अभी इसको थोड़ा सा स्लो मुद्रा में आपको समझाया है, तो आपको लगा कि थोड़ा ज़्यादा वक्त लगेगा, पेपर में मैं इसको कैसे बना पाऊँगा, मेरे दोस्त इसके एलिगेशन मेथड भी है, बट मैं वो बताऊँगा तो आप कहोगे कि सर वो बेकारी बता दिया आपने, यही तो ठीक है ना? तो आप पहले इस मेथड को अपना हाथ बनाओ, फिर दूसरे मेथड को भी मैं बताऊंगा। चलो तो अभी अभी मैं थोड़ा सा इसको साइड करता हूँ और एक और क्वेश्चन लेता हूँ, इसी टाइप से उसको बताता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है? आइए थोड़ा सा देखते हैं। अब देखो इसको, ये क्या है, एकदम पहले समझो उसके बाद लिखना, दोनों लिखने का टाइम दूंगा, स्क्रीनशॉट करने का भी टाइम दूंगा। पहले आप यहाँ देख लो, ये क्या है, कहते एक टैंक में 7 नल लगे हुए हैं, जिनमें कुछ भरने वाले हैं कुछ खाली करने वाले हैं। कहता भरने वाला में प्रत्येक नल 5 घंटे में टैंक को भर सकता है, जबकि खाली करने वाला में प्रत्येक नल 4 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है, ठीक है? सारे नल को एक साथ किए जाएं तो 20 घंटा में टैंक क्या हो जाएगी, भर जाएगी, है ना भाई?
अरे देखो, टैंक भरने का क्या मतलब है कि टैंक में जितना पानी अट सकता है, आ सकता है, उतना काम प्लस में हुआ है तभी टैंक भरेगा। काम माइनस में होगा तो टैंक खाली होगा, काम प्लस में होगा तो टैंक भरेगा। बस यही बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ उसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। देखो, सात नल हैं दोस्त, सात नल, और इस सात नल में दो प्रकार के नल हैं। एक मेरे दोस्त क्या है, भरने वाला है, और कुछ इसमें खाली करने वाले हैं। हम मान लेते हैं कि एक्स नल इसमें से भरने वाला है, तो खाली करने वाला कै गो, सात में एक्स नल भरने वाला है, तो खाली करने वाला सात माइनस एक्स नल होगा। हाँ या ना, आप कहोगे हाँ। अब देखो, ये जितने भी भरने वाले नल हैं उनमें से प्रत्येक नल टैंक को 5 घंटे में भर सकता है, और जितने भी खाली करने वाले नल हैं उनमें से प्रत्येक नल, ठीक है, टैंक को मेरे दोस्त बिल्कुल 4 घंटे में क्या कर देगा, खाली कर देगा। अब आप ही समझो, यहाँ ध्यान से समझना, 5 घंटे में भरने वाले में से प्रत्येक नल 5 घंटे में टैंक को भरेगा, और खाली करने वाले में से प्रत्येक नल 4 घंटे में टैंक को खाली कर देगा। अब आप खुद सोचिए कि जो टंकी 5 घंटे में भर सकता है और 4 घंटे में खाली हो सकता है, उस टंकी की कैपेसिटी क्या होगा, इसी 5 और 4 का एलसीएम कितना, 20। अब मेमोरी लगाओ अपना, 5 घंटे में 20 भरेगा तो हर घंटे 4 भरेगा, कहोगे हाँ सर। 4 घंटे में 20 खाली करेगा तो हर घंटे में 5 खाली करेगा, हाँ या ना, आप कहोगे हाँ। तो अब इतना ऑपरेशन आपने जब कर लिया है, अब आप सीधे क्वेश्चन पे आइए। अब आप यहां से आगे प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न लिखा है कि जब सारे पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक 20 घंटा में क्या हो जाएगी, भर जाएगी। तो भैया, सारा नल को अगर क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा है तो आप भी स्टार्ट कर दीजिए। आइए सबको स्टार्ट करते हैं, सारा नल मतलब सातों नल को स्टार्ट करते हैं। कितने समय के लिए, 1 घंटा। तो 1 घंटा में सभी नल का काम थोड़ा सा देखते हैं, है ना। अब देखो, अगर मैं सभी नल को स्टार्ट करूंगा ना, तो भरने वाला भी सब स्टार्ट होगा, खाली करने वाला भी सब स्टार्ट होगा। तो भरने वाला क्या करेगा, तो भरने वाला एक नल 1 घंटा में 4 भरता है, एक नल 1 घंटा में 4 भरता है, तो एक्स नल क्या करेगा, 1 घंटा में 4x भरेगा, हो गया हाँ सर। खाली करने वाला देखो, एक नल 1 घंटा में 5 खाली करता है, एक नल 1 घंटा में 5 खाली करता है, तो 7 माइनस एक्स नल क्या करेगा, 7 माइनस एक्स और इंटू -5, ई काम हो जाएगा खाली करने वाला का और ई काम हो जाएगा भरने वाला का। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो सभी 7 नलों के 1 घंटे का काम मेरे हिसाब से हो गया, और अब हम क्वेश्चन के हिसाब से 1 घंटे के काम के बराबर करते हैं। तो आप खुद तनिक सोचिए, क्या क्वेश्चन क्या बोला, जब सबको एक साथ स्टार्ट करते हैं तो 20 घंटा में टैंक भर जाती है। तो बताइए ना, अगर 20 घंटा में टैंक भर जाती है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि टैंक की जितना कैपेसिटी है उतना काम पॉजिटिव होता है, यानी 20 घंटे में टैंक भरती है। इसका मतलब है कि 20 घंटे में टैंक में कितना पानी आ गया, 20 घंटे में 20 पानी आ गया। भैया, 20 घंटे में अगर 20 पानी आ गया है तो 1 घंटे में तो 1 पानी आएगा, कहोगे हाँ। 1 घंटे का ये भी काम है और 1 घंटे का ये भी काम है, कर दीजिए बराबर। ये हो गया 7x, माइनस का 35, माइनस माइनस प्लस का 5, बराबर यहाँ पर 1 हो जाएगा। 9x का मान 36, मान यहाँ से 4 आ गया। अब देखो ना, x का मान अगर यहाँ पर 4 हो गया है तो 7 माइनस एक्स का मान 4 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी यहाँ पर 4 भरने वाला और 3 खाली करने वाला, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बैच लेकर आइए। हाँ हाँ जरूर 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 आएंगे। सुमित कुमार सिंह, कभी कभी साउंड स्लो हो जाता है। हाँ मेरे दोस्त, ये बात तो मैं आपको मान रहा हूँ, बिल्कुल स्लो होता है। अब कुछ पाने के लिए थोड़ा बहुत तो मैनेज करना पड़ेगा, हैं, थोड़ा बहुत मैनेज कीजिए, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। आवश्यकता ही आविष्कार की,
जननी होता है ना, जब आवश्यकता बुझाएगा आविष्कार अपने आप हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान दीजिए, सब लोग इकट्ठे होके काम कीजिए, आप लोग की जितनी चाहत बढ़ेगी है ना, हर चीज की सुदृढ़ता उतना ही बढ़ता चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अकाउंट सब कुछ ओके है, आप काम कीजिए और आप बढ़ते रहिए। आपने देखा मैंने एक मेथड से दो क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश किया, बिना किसी हड़बड़ाहट के, बिना किसी टेंशन के। आप काम करते चलिए और आपके लिए मैं काम करता चलूंगा, ठीक है? ध्यान दो मेरे दोस्त। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा उससे अलग टाइप का है। देखो ये कहता है कि तीसरा टाइप में हम प्रवेश कर रहे हैं, दो टाइप तो आपको मैंने सॉल्व करा दिया। अब देखो अभी जो हमने क्वेश्चन किया था उसके अकॉर्डिंग क्या था, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि कुल नल दिया हुआ था, कितने भरने वाले कितने खाली करने वाले, ये हमसे पूछा गया। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। देखिए ये क्या कहता है, एक टैंक में 10 गो भरने वाला नल है, इसमें प्रत्येक नल टैंक को 6 मिनट में भर सकता है, भरने में सक्षम है। कहता 6 गो खाली करने वाला नल है, जिनमें से प्रत्येक नल टैंक को 8 मिनट में भरने में सक्षम है ना। खाली करने वाला है तो खाली करने में सक्षम होगा, जो भरने वाला है वो भरने में सक्षम होगा, ठीक है भाई। कहता अगर सभी नल को एक साथ खोल दिया जाता है तो परिणाम ये होता है कि टंकी में 22 लीटर पानी प्रति मिनट भरता है। मेरे दोस्त 22 लीटर पानी प्रति मिनट क्या होता है, उसमें भरता है, यानी पॉजिटिव काम होता है। तो आप डरिए मत, आइए देखते हैं कि क्या होता है। क्या वो दिक्कत है क्या, प्रीवियस ईयर का बुक कब आएगा? 2 से 3 दिनों में सब आ जाएगा है ना, और असली महातांडव तो अब शुरू होगा। अभी तक तो आपने सिर्फ एक छोटा सा झलक देखा था, असली महातांडव तो अब शुरू होगा है ना। देखते हैं असली महातांडव के रूप में क्या रहता है। अब आप देखिए असली महातांडव क्या होता है बताऊंगा धीरे धीरे करके। बीपीएससी पार्ट 3 बैच का प्राइस क्या है, एप्लीकेशन पे जाइए, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर, वहाँ पर एक फॉर्मेट ही बना होगा बीपीएससी टीचर एंड एस्टेट बैच, उस पर क्लिक करिएगा। बीपीएससी 3.0 के लिए कुरुक्षेत्र नाम का बैच स्टार्ट हो रहा है, कुरुक्षेत्र बैच, आप आराम से जाके उसमें शामिल होइए और महाभारत के लिए तैयार हो जाइए। आइए ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिए 10 नल है और ये 10 नल है भरने वाला, कहता है 10 नल भरने वाला है, ठीक है, और मेरे दोस्त कितने नल खाली करने वाले हैं, 6 नल हैं खाली करने वाले, तो यहाँ पर 6 नल हमारा है खाली करने वाले। अब आपको देखना ये होगा 10 नल भरने वाले हैं जिनमें से प्रत्येक नल, एकदम ध्यान दो, 10 नल हैं भरने वाला जिनमें से प्रत्येक नल टैंक को 6 मिनट में भरने में सक्षम, 6 नल है खाली करने वाला जिनमें से प्रत्येक नल मेरे दोस्त 8 मिनट में टैंक को खाली करने में सक्षम है। समझिएगा, भरने वाले 10 नल हैं जिनमें से प्रत्येक नल टैंक को 6 मिनट में भरने में सक्षम है, खाली करने वाले 6 नल हैं जिनमें से प्रत्येक नल 8 मिनट में टैंक को खाली करने में सक्षम है। अब आप खुद ही जो टंकी 6 मिनट में भरा सकता है और 8 मिनट में खाली हो सकता है, उस टंकी की कैपेसिटी क्या होगा, 6 और 8 का एलसीएम 24 हो जाएगा। आप कहोगे हाँ 6 मिनट में 24 भराएगा तो हर मिनट 3 भराएगा, और 8 मिनट में 6 मिनट में 24 भराएगा तो हर मिनट में 4 भराएगा, और 8 मिनट में 24 खाली होगा तो हर मिनट में 3 खाली होगा। अब देखो क्वेश्चन ने कहा क्या है, क्वेश्चन ने यही तो कहा है सबको एक साथ स्टार्ट कर दीजिए, तो आप देखिएगा कि प्रति मिनट 22 लीटर पानी भर रहा है। ऐसा कीजिए ना, प्रति मिनट का मतलब हुआ 1 मिनट, आप 1 मिनट के लिए सबको चालू कर दीजिए। कैसे चालू कीजिएगा, कहिएगा सर
अब तो 10 गो भरने वाला, 6 गो खाली करने वाला, 16 नल स्टार्ट होगा, बिल्कुल 16 नल स्टार्ट होगा। कीजिए देखिए, एक भरने वाला एक नल 1 मिनट में 4 भरता है, भरने वाला एक नल 1 मिनट में 4 भरता है, तो 10 नल क्या करेगा, 10 चौके 40 भरेगा। आप कहोगे हाँ सर। खाली करने वाला एक नल 1 मिनट में 3 खाली करता है, खाली करने वाला एक नल 1 मिनट में 3 खाली करता है, 6 नल क्या करेगा, 6 गुना -3 या 18 खाली करेगा। तो ये हुआ 1 मिनट में भरने का काम, खाली करने वाला का काम। अगर इसको हम जोड़ देते हैं कि 1 मिनट में सबका काम हुआ, और यही कहता है कि 1 मिनट में सब मिल करके टंकी में क्या कर रहा है, 22 लीटर पानी भर रहा है, 22 लीटर पानी भर रहा है। तो बताइए जरा सा, 40 में 18 अगर चला जाएगा होगा, तो 40 में 18 जाएगा तो इधर आपको 22 रेशियो नजर आएगा, और इधर वही 22 लीटर है। 22 रेशियो का मान 22 लीटर, तो 1 रेशियो का मान 1 लीटर होगा, और जब 1 रेशियो का मान 1 लीटर होगा तो 24 रेशियो का मान 24 लीटर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 24 लीटर हो जाएगा। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं करा दूंगा। सर कब से क्लास होता है और आप कौन कौन से क्लास लेते हैं? अरे क्लास तो मैं रेगुलर लेता हूं, लेकिन इधर पिछले कुछ दिनों से, 3-4 दिनों से मैं आपकी सेवा में सक्षम नहीं हो पा रहा था, क्योंकि काम कुछ ऐसे हो जा रहे थे कि मैं कर नहीं पा रहा था, है ना। तो अब मैं फाइनली, स्टूडियो भी रेडी है और मैं भी रेडी हूँ, सब कुछ रेडी है। अब आपको सिर्फ रेडी होने की आवश्यकता है। आप सब लोग रेडी होके आइए, रात में 10 बजे मिलते हैं एक साथ और करते हैं मैथ्स को स्ट्रॉन्ग। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए एक और सवाल उसी टाइप का है, इसको समझने की कोशिश करना। कहता है कि एक टंकी में 6 भरने वाला नल, जिसमें प्रत्येक नल टंकी को 16 मिनट में भरने में क्या है, सक्षम है। अच्छा, कोई व्यक्ति अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहेगा पिछले 3 क्वेश्चन का तो ले सकता है। आप एक बार 7 नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया 7 नंबर का स्क्रीनशॉट, चलो थैंक यू। अब एक बार आप 8 नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो धन्यवाद। अब एक बार 9 नंबर का स्क्रीनशॉट कर लो, कर लिया स्क्रीनशॉट, धन्यवाद। अब आइए आप 10 नंबर क्वेश्चन की और, ठीक है, और 10 नंबर क्वेश्चन पहले पढ़िए। 6 भरने वाला नल है, जिसमें प्रत्येक नल किसी टंकी को 16 मिनट में भरने में सक्षम है। 4 खाली करने वाला नल है, जिसमें प्रत्येक नल टंकी को 20 मिनट में खाली करने में सक्षम है। यदि सभी नल को एक साथ स्टार्ट कर दिया जाए तो ये परिणाम होगा कि टंकी में 14 लीटर पानी प्रति मिनट भरेगा। तो टंकी की क्षमता क्या होगी? तो देखो, जब ऑल टैप को, सभी नल को एक साथ स्टार्ट किया जाता है तो परिणाम ये होता है 14 लीटर प्रति मिनट पानी टैंक में क्या होती है, भरती है। बताइए जरा सा टैंक की क्षमता क्या होगी, बहुत ही शानदार। अब आप यहाँ देखिए, अब आप यहाँ देखिएगा, कुछ नल हैं भरने वाले, कितने हैं भरने वाले, 6 नल हैं भरने वाले, और कुछ नल हैं खाली करने वाले, कितने नल हैं खाली करने वाले, 4 नल हैं खाली करने वाले। क्वेश्चन कहता है भरने वाले जितने भी नल हैं उनमें से प्रत्येक नल टंकी को क्या करता है, 16 मिनट में भरने में सक्षम है, और खाली करने वाला में से प्रत्येक नल ये क्या करता है, तो टैंक को बिल्कुल 20 मिनट में खाली करने में सक्षम है। अब आप ही बताओ, सबसे पहले एकदम ध्यान से बताना, जो टंकी 16 मिनट में भर सकता है और 20 मिनट में खाली हो सकता है, उस टंकी की कैपेसिटी क्या होगा, इन दोनों का लॉसो के बराबर, यानी 80 के बराबर।
अब सोचो 16 मिनट में 80 भरेगा, हर मिनट 5 भरेगा, ये 20 मिनट में 80 खाली करेगा, तो हर मिनट ये 4 खाली करेगा। देख रहे हो, खाली करने वाले का काम माइनस में लिखता हूँ, भरने वाले का काम प्लस में लिखता हूँ। अब क्वेश्चन क्या कहा था? क्वेश्चन यही तो कहा था, सबको स्टार्ट करिए, आप सभी नल को एक साथ स्टार्ट कीजिए, तो देखिएगा कि हर मिनट 14 लीटर पानी टैंक में क्या हो रहा है, भर रहा है ना। 14 लीटर पानी टैंक में क्या आ रहा है, भर रहा है, भरने का मतलब पॉजिटिव काम। तो चलो मैं भी एक एक मिनट के लिए सबको स्टार्ट करता हूँ, 1 मिनट के लिए सभी नल को मैं स्टार्ट करता हूँ, क्या कहोगे? देखो, भरने वाला एक नल 1 मिनट में 5 भरेगा, तो 6 नल क्या करेगा, 6 × 5 = 30 भरेगा। खाली करने वाला मैं एक नल 1 मिनट में 4 खाली करेगा, तो 4 नल क्या करेगा, एक नल 4 खाली करेगा, तो 4 नल 16 खाली करेगा। ये हुआ भरने वाला का काम, ये हुआ खाली करने वाला का काम, दोनों का काम जोड़ दो, ये होगा सभी के 1 मिनट का काम। अब भाई सभी के 1 मिनट का काम क्या है, 14 लीटर है प्लस में, ठीक है। तो आप यहाँ देखो, 30 में 16 चला जाएगा, 14 रेशियो बचेगा, 14 रेशियो का मान 14 लीटर, यहाँ से 1 रेशियो का मान हो जाएगा 1 लीटर, 1 रेशियो का मान 1 लीटर, तो 80 रेशियो का मान क्या होगा, 80 लीटर। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, 80 रेशियो का मान 80 लीटर है, इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आदित्य को मॉर्निंग में देखते हैं, अभी बात कर लेते हैं, अगर अभी टीम जगी होगी तो अभी डला दिया जाएगा, नहीं तो मॉर्निंग में डाल दिया जाएगा, ठीक है। मैं भूल गया था दोस्त मेरे, यही याद नहीं रहा सर। एस्टेट पेपर 2 में मैथ्स क्लास टाइम क्या है? देखिए, एस्टेट पेपर 2 में अगर आप मैथ्स की बात कर रहे हो तो क्लास मैथ्स का 1 से 2 होगा, एस्टेट का टाइमिंग 1 से 2 है, और बीपीएससी 3.0 का जो है वो 4 बजे से, ठीक है। आओ, थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहो, आगे देखते रहो। तो चलो मेरे दोस्त, इस तरीके से आपकी सेवा जो है हमने किया है, और आप लोग क्या करोगे, एक सेम टाइप का ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप करना, ठीक है। और आज की सेवा को मैं यहीं पर रोकूंगा, आपकी क्लासें जो रात में चलेगी वो रोज़ाना क्लास आपका होना है, और इस क्लास का ड्यूरेशन क्या रहेगा, आपकी टाइमिंग क्या रहेगी, कुछ बात अब आपको मैं बता देता हूँ, जिसके लिए काफ़ी देर से आप लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जितने भी लोग हैं, लोग बात को समझिएगा, मेरा बैकग्राउंड दूसरा दे देता हूँ ताकि समझाना भी आसान रहेगा और आपके लिए समझना भी, ठीक है। सब बात को ध्यान रखना होता है। आइए, अब कुछ बात को आपको जानकारी की ज़रूरत थी, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो आप में से जो भी भाई बीपीएससी TRE 3.0 के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं, आपके लिए अभी से ही 4 बजे से एक बैच स्टार्ट हो रहा है। कल 20 दिसंबर है, 20 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, आप इसमें शामिल होकर के अपनी प्रिपरेशन है ना फाइनल सिलेक्शन की ओर बढ़ा सकते हो। ये बैच किन के लिए हेल्पफुल रहेगा? अगर देखो, ये बैच आप बीपीएससी पेपर की, आपने बीपीएससी TRE का पेपर दिया है ना, और आपका इसमें सिलेक्शन हो गया, आपका इसमें सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो आप में से जिनका इनमें सिलेक्शन हो जाएगा, उनको मेरे दोस्त एक बेहतरीन टीचर बनने के में ये बहुत काम आएगा। बेहतरीन आपके पास ज्ञान रहेगी, नॉलेज रहेगी, तभी आप टीचिंग कर पाओगे, है ना। तो आप एक अच्छे शिक्षक बनने के लिए भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। किस बैच को? TRE 3.0 वाले को। मैंने ये कहा कहा कि 2 पॉइंट उसने दिया था, ठीक है, उसने पेपर दिया है, उनमें से जिनका सिलेक्शन होगा, जो 3.0 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो तो आ ही जाएंगे, जो 2.0 में पेपर दिया था जिनका सिलेक्शन हो जाएगा वो एक अच्छे गुरु बनने के लिए भी इस बैच के अंदर ज्वाइन करेंगे, है ना। और साथ ही साथ मेरे दोस्त जो नए बच्चे हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल ही ब्रह्मास्त्र साबित होगा, इसलिए इस बैच का जो नाम है
हमने कुरुक्षेत्र रखा है, क्या कुरुक्षेत्र बैच का हमने इसे नाम दिया है। कुरुक्षेत्र बैच, इस नाम से बैच आपको मिलेगा, कहाँ मिलेगा, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर, ठीक है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर, ये बात आप ध्यान रखेंगे, नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर, ओके। साथ ही साथ एक और बात, जो बच्चे ये कह रहे हैं कि सर एस्टेट पेपर टू में मैथ्स की जो प्रिपरेशन है वो कब से स्टार्ट होगी, ये भी 20 दिसंबर को ही स्टार्ट होना है 9th 10th के लिए, ठीक है, 9th 10th के लिए आप आराम से इसमें जुड़ सकते हो, 9th 10th के लिए है, और 20 दिसंबर से इसका टाइम 12 बजे से है, ठीक है, 12 बजे से दोपहर में। और ये जो आपकी 3.0 है, ये मेरे दोस्त, ये 6 to 8 के लिए, ये 6 to 8 के लिए कहो, या मेरे दोस्त 9th 10th के लिए कहो, ठीक है। और इसमें मेरे दोस्त अगर आप 1 to 5 की प्रिपरेशन भी करते हो तो आपके लिए भी ये मेरे दोस्त बिल्कुल यूज़फुल होगा और आपके पेपर में ये काम देगा। ओवरऑल ये 3.0 है वो आपके लिए रामबाण साबित होगा 3.0 के लिए, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच, मैं फिर आपसे मिलता हूँ, ठीक है, कल मिलूँगा। याद रखना मेरा यही टाइमिंग है और इसी टाइम में सर BPSC CGL 3 मेरिट का BSSC CGL 3 मेरिट का इंतज़ार कर रहा हूँ, रिजल्ट होते ही आपसे मिलने आऊँगा। आपका स्वागत है मेरे दोस्त, है ना, आप बिल्कुल आइए, आपका वेलकम है। फिरदौस आलम, काफ़ी दिनों से आप जुड़े हुए हैं, याद है, और मैं आपको बिल्कुल अच्छा। थैंक यू वेरी मच।